टिहरी ग्रामीण अंचल में बना एक साधारण सा रेलवे स्टेशन था। भारी भीड़भाड़ से दूर प्राकृतिक परिवेश के बीचों बीच बना एक छोटा सा स्टेशन। दिखाने के नाम पर वहां एक कमरा जिसके सामने टीन शेड की छत और पास में फूस की छत वाली चाय की टपरी थी। रेल यात्रियों से ज्यादा तो टीन शेड के नीचे ताश खेलने वाले अधिक दिखा करते। डिग्री के बच्चों का मुख्य आकर्षण थी वो ट्रेन जो खर खर करती रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती। स्टेशन से होकर गुजरने वाली वो एकमात्र ट्रेन थी। बस ये लोहे की पटरियां ही थी जिन्होंने टिहरी और उसके आसपास के इलाके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रखा था। दूर से ट्रेन का भोंपू सुनाई देते ही स्टेशन पर बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती। इंसानी हाथों द्वारा किए गए इस चमत्कार को देखकर उन्हें हैरानी होती। हजारों बार देखने चुकने के पश्चात भी उनकी आंखें नहीं थकती। हमेशा की तरह रेलगाड़ी टिहरी रेलवे स्टेशन पर आकर रुका। ये सच है? दहल सिंह के होके की कुरकुराहट रुकी। उसने पहले कुछ सोचा, फिर अनमनी सी आवाज में बोला, ये सच है। बरस दस बरस न जाने कितने लोग जानवर का शिकार बनते हैं। लोगों को मारने के बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है। मयंक को उसकी इन बातों से झूठ की बू आ रही थी। आपको भी चेता रहा हो, रात के समय कभी बाहर ना निकलिएगा। आंखें मूंद ली। उसी समय उसके कानों में किसी के रुदन का स्वर सुनाई पड़ा। वो सिहर उठा। दूर से किसी की दबी हुई रोने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे आवाज ऊंची उठती गई। अब वो साफ सुन पा रहा था। उस बाहरी के पीछे से कोई लड़की बेहद मार्मिक स्वर में रो रही थी। कुछ ही देर में रोने का स्वर चित्कार में बदल गया। मयंक के पैर डर के मारे वहीं जम गए। अब तक हमने देखा कि मयंक जो एक साधारण सा रिपोर्टर है, इंस्पेक्टर विवेक के साथ एक बड़े मिशन पर जा रहा है। उन्हें बानपुर गांव में हुई रहस्यमय मौतों के राज का पता लगाना है। कहानी आगे। हेलो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में रिंकिस झुरिया की लिखी हुई कहानी मुर्दघट्टा का एपिसोड नंबर 3। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एंड आई एम सॉरी कि इतना दिन से मैं थोड़ा सा मिसिंग थी, मेरा वीडियोस लेट आ रहा था। इसका कारण है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मैं अभी आ गई हूँ, आप लोगों को वीडियो रेगुलरली मिलने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रिंकिस झुरिया की लिखी हुई मुर्दघट्टा का एपिसोड नंबर 3। टिहरी ग्रामीण अंचल में बना एक साधारण सा रेलवे स्टेशन था। भारी भीड़भाड़ से दूर प्राकृतिक परिवेश के बीचों बीच बना एक छोटा सा स्टेशन। दिखाने के नाम पर वहां एक कमरा जिसके सामने टीन शेड की छत और पास में फूस की छत वाली चाय की टपरी थी।
रेल यात्रियों से ज्यादा तो टीन शेड के नीचे ताश खेलने वाले अधिक दिखा करते। टिगरी के बच्चों का मुख्य आकर्षण थी वो ट्रेन जो खर खर करती रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती। स्टेशन से होकर गुजरने वाली वो एकमात्र ट्रेन थी। बस ये लोहे की पटरियां ही थी जिन्होंने टिगरी और उसके आसपास के इलाके को समाज के मुख्य धारा से जोड़ रखा था। दूर से ट्रेन का भोंपू सुनाई देते ही स्टेशन पर बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती। इंसानी हाथों द्वारा किए गए इस चमत्कार को देखकर उन्हें हैरानी होती। हजारों बार देखने चुकने के पश्चात भी उनकी आंखें नहीं थकती। हमेशा की तरह रेलगाड़ी टिगरी रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। बोगी से उतरकर कुछ अजनबियों ने स्टेशन से कदम रखा। ताश खेल रही लोगों की मंडली का ध्यान भंग हुआ। वे बड़ी हैरानी से उन अजनबियों को ताड़ने लगे। किसी शहरी व्यक्ति का ऐसी जगह पर आना बड़ी असामान्य बात थी। सूट बूट वाले परदेसी और वो भी यहां, अजीब बात है। भीड़ में बैठे एक बुड्ढे ने आंखें मिचमिचाई। मयंक और विवेक को उन लोगों की नजरें चुभ रही थी। उन्होंने चारों तरफ दृष्टि डाली। वाकई वो इलाका काफी पिछड़ा हुआ था। मयंक को लगने लगा जैसे वो समय यात्रा करके पुराने जमाने में चला आया हो। उसके साथ आए नौजवान ने टीन शेड की तरफ इशारा किया। यही है आसपास के इलाके का इकलौता रेलवे स्टेशन। हालत थोड़ी खस्ता है पर जो भी है बस यही है। उसकी हंसी फूट पड़ी न जाने किस पर, शायद देश के तथाकथित विकास पर। स्टेशन के पास घराती हुई पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वहां का लोकल इंस्पेक्टर उतरा, मोहन सिंह। ताव लगी मुझे पर आंखों पर चढ़ा काला चश्मा। अपनी पाली हुई तोंद को दाएं बाएं करते वो बड़े ही रुबेले ढंग से उन्हीं की तरफ बड़ा चला रहा था। नमस्ते बाबू, क्या आप ही हैं जो ग्राम विकास विभाग की तरफ से यहाँ का जायजा लेने आए हैं? इंस्पेक्टर के मुंह में चलती खैनी की दुर्गंध मयंक को परेशान कर रही थी। जी हाँ, इंस्पेक्टर हंस पड़ा। हमने तो दूर से ही आपको पहचान लिया था। इन नंगे पुंगे लोगों के बीच गले में टाई कसे कोई बड़ा अफसर ही खड़ा हो सकता है। मयंक को स्थानीय लोगों के प्रति इंस्पेक्टर का वो बर्ताव बुरा लगा। हमको आपके आने की सूचना मिली थी। चलिए हम आपको बानपुर पहुंचाए देते हैं। वो लड़का भी बानपुर का रहने वाला था। विवेक ने खुशी खुशी उसे भी गाड़ी में अपने साथ बैठा लिया। टिकरी से बानपुर के बीच एक कच्चा रास्ता था। उबर खाबर रास्ते के दोनों तरफ सूखा बिहर और कंटीली झाड़ियों की पैदावार थी। ऊंचे नीचे रास्ते पर गाड़ी में एक जगह टिक कर बैठ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। मयंक की बिहर का रास्ता उतना परेशानी भरा नहीं लगा जितनी गाड़ी में बिखरी खैनी की बदबू। टूटे फूटे रास्ते की परेशानी कम करने के लिए इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने बातों का सिलसिला शुरू किया। इंस्पेक्टर, कितने दिनों के लिए आए हैं आप? विवेक, गांव का सर्वेक्षण करने में कितने दिन लगेंगे अभी कुछ कह नहीं सकते। इंस्पेक्टर, गांव के मुखिया दहल सिंह जी को बताया था आपके बारे में। बोले बड़े अफसर हैं, जितने दिन रहना है हमारी हवेली में रह लेंगे। बड़े ही दयालु किस्म के इंसान है मुखिया जी। इंस्पेक्टर दहल सिंह की चाटुकारिता में जी लपलपा रहा था। कच्चे ईंटों वाले मकान के सामने एक बूढ़ा आकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में दानों से भरा मिट्टी का एक बर्तन था। पुरानी सी धोती लपेटी और कंधे पर गमछा लटकाए उस बूढ़े ने बाहर से आवाज लगाई।
पूरी काकी घर पर हो? मकान के अंदर से मरियल सी आवाज आई। हाँ रामसुख, अंदर आ जा। बूढ़ा दरवाजा ढकेल कर अंदर घुसा। सामने एक दुबली पतली सी बूढ़िया बैठी थी। अपनी छीन हो चुकी बूढ़ी आंखों के सहारे अंदाजा लगाकर वो सुई में धागा पिरोने की कोशिश कर रही थी। रामसुख ने एक फटा पुराना चित्रा कच्चे आंगन पर बिछाया और बैठ गया। उसने मिट्टी के बर्तन को एक तरफ रखा। लोका की सुई हमको दो, हम पिरोए देते हैं। रामसुख ने उसके हाथ से सुई ली। चंद शेर दाने लाए हैं, पीस दोगी जरा? भूरी, आज तबीयत कुछ बिगड़ी हुई है, जी मचल रहा है, वो रही चक्की तुम ही पीस लो। रामसुख दाने पीसने बैठ गया। भूरी, वैसे तुम अकेली जान इतने आटे का क्या करोगे, घर पे भोज रखा है क्या? बूढ़िया मुलकाई। रामसुख, अरे ना काकी, भोज इतना पैसा कहाँ, वो तो आज हमारा नाती आकाश आ रहा है, कॉलेज की छुट्टियां आ गई ना उसकी। भूरी, तू भाग वाला है रामसुख, तेरी नाती कॉलेज में पढ़ता है, सारा गांव सराहता है तुझे, मुझे आज भी याद है कैसे मेरे हाथों ही जन्मा था वो। भूरी काकी की ये बात सुनकर चक्की का हत्था फिराते रामसुख के हाथ अचानक रुके। काकी ने जैसे उसका कोई सुख चुका घाव कुरेद दिया हो। बुढ़िया भी पुरानी यादों में खो रही थी। उसकी आंखें भर आई। साड़ी के पल्लों से आंख पोंछकर वो दबी सी आवाज में बोली, जानता है रामसुख, सालों पहले की गई गलती की सजा मैं आज भी भुगत रही हूँ, दिनों रात पछतावे की आग में जलती हूँ, पर ये यादें दीमक की तरह मुझे खाए जा रही है, लालच में आकर मैंने जो पाप किया उसका फल आज पूरे गांव पर कहर बनकर टूट रहा है। मोहन सिंह की गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुकी। वो गांव के मुखिया और जमींदार दहल सिंह की कोठी थी। मयंक और विवेक अपना सामान लेकर नीचे उतरे। हवेली की भव्यता देख मयंक झक पड़ा। पूरे बानपुर में केवल यही एक पक्का मकान था। नौजवान भी गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। इंस्पेक्टर उन दोनों के अंदर लेकर गया। सामने औसारे में दो कुर्सियां लगाई गई। चारपाई डालकर उस पर बिछौना लगाया गया। सामने तंबाकू भरकर हुक्का रखा गया। एक नौकर ने आकर तंबाकू पर अंगीठी रखी। विवेक और मयंक कुर्सियों पर बैठे ताजुब भरी निगाहों से सब देख रहे थे। कुछ देर में घर के अंदर से सफेद धोती कुर्ते वाला बलिष्ठ व्यक्ति बाहर निकला। वो जमींदार दहल सिंह था। उसने दोनों का अभिवादन किया और चारपाई पर बैठ हुक्के के कश लगाने लगा। हवेली के नौकर मेहमानों के लिए शरबत लेकर आए। यकायक दहल सिंह ने चुप्पी तोड़ी। असरदार भारी भरकम आवाज के साथ वो बोला, आते वक्त गांव तो देखा होगा आपने, कच्चे छपरों के अलावा कुछ नहीं है। मैंने सोचा शहर से बड़े बाबू लोग आ रहे हैं, जितने दिन यहाँ हैं हमारी मेहमान नवाजी देख लेंगे। शुक्रिया आपका, विवेक मुस्कुराकर बोला। दहल सिंह ने गर्व से मूछों पर ताव दिया। वो बड़ा ही खुदगर्ज और मंझा हुआ इंसान था। बिना मतलब के तो वो चिड़िया को भी हवेली में पर ना मारने दे, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग था। शहरी अफसरों को अपने घर में रखकर वो उनके दिल पर अपनी दयालुता की छाप छोड़ना चाहता था। क्या पता यहाँ निकाली गई सैंट पैंट भविष्य में उसके काम आ जाए।
मयंक और विवेक को दो मंजिला हवेली के ऊपर वाले कमरे में ठहराया गया। नौकरों ने उनका सामान पहले ही पहुंचा दिया था। कमरे में सिटकनी लगी एक बड़ी सी लकड़ी के पल्लों वाली खिड़की थी। वो खिड़की हवेली के पीछे वाले हिस्से की तरफ खुलती थी। विवेक ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। हवेली के दायरे से आगे झाड़ झंकार और कुछ दूर एक पहाड़ी थी। तभी मयंक बोल पड़ा, तुम पहले से ही कहानियों के पुलिंदे तैयार करके लाए थे, ये योजना तुमने पहले ही बना ली थी। विवेक, हाँ, मैंने हमारे चीफ की मदद से सब कुछ पहले ही सेट कर लिया था ताकि यहाँ आने पर हमें कोई परेशानी ना हो। अब जितनी जल्दी हो सके हमें दीपक को ढूंढना होगा। मयंक, शुरुआत कहाँ से करें? विवेक, कल सुबह पो फटते ही गांव में निकल जाएंगे, किसी ने ना किसी को तो उसके बारे में कुछ पता ही होगा। मयंक, हमें सरकारी अफसरों की तरह गांव वालों से मिलना है, किसी को भी हमारे मिशन के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। विवेक, सही कहा, और सुरक्षा के लिए मैं अपने साथ ले आया हूँ। विवेक ने रिवॉल्वर निकालकर उसके सामने रख दी। मयंक कुछ सक पका गया। हड़बड़ाहट में उसने अपना फोन निकाला। फोन में नेटवर्क का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अकस्मात उसे याद आया कि वो शहर से बहुत दूर बिहर में बसे गांव में था। मुख्य धारा से अलग धलग इस जगह पर कोई नेटवर्क के बारे में सोच भी नहीं सकता। सहसा कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विवेक ने उचककर रिवॉल्वर को कपड़ों के नीचे छिपा दिया। दहल सिंह का नौकर बाहर खड़ा था। मालिक ने आपको भोजन के लिए नीचे बुलाया है। हम अभी आते हैं। नौकर वापस चला गया। विवेक ने ठंडी सांस छोड़ी। जरा सी देर के बाद दोनों नीचे उतरे। आंगन में काफी चहल पहल थी। प्रतिबद्ध रूप से लकड़ी की उत्कृष्ट कारीगरी वाली चौकियां लगाई गई थी। कोई भोजन की थाली चौकियों पर रख रहा था तो कोई बैठने के लिए आसन लगा रहा था। घर के सारे सदस्य भोजन के लिए आए। मयंक और विवेक भी खाने के लिए बैठे। भोजन शुरू हुआ। घर की औरतों को बाहर आने की मनाही थी, वे रसोई घर में ही खाना खाया करती। खाने से तृप्त होकर सभी लोग उठे। मयंक और विवेक वापस अपने कमरे में चले आए। विवेक आते ही अपने बिस्तर पर लेट गया। मयंक खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था। अचानक वो विवेक की ओर मुड़ा। विवेक, आज हम गांव के बीच से गुजर रहे थे तो पूरा गांव खाली पड़ा था। चारों तरफ के इस सन्नाटे से तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? विवेक, हाँ, सभी लोग घरों के अंदर डरे सहमे से दुबक कर बैठे थे। जरूर गांव में कुछ चल रहा है। मयंक, तुमने बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे, क्या कभी ऐसा केस मिला जो तुम्हारे लिए बहुत रहस्यमय रहा हो? विवेक, हाँ, बहुत पहले किसी योगिनी के श्राप का एक केस आया था, उसमें हुई वो रहस्यमय मौतों मुझे आज तक याद है। विवेक अपनी पुरानी यादों में खो गया। मयंक, तो क्या तुमने वो केस सुलझाया? विवेक, नहीं, कुछ दिनों बाद मौतों का सिलसिला रुक गया। कोई सबूत ना मिल पाने के कारण मुझे केस बंद करना पड़ा। विवेक ने थकान भरी अंगड़ाई ली और आंखें बंद करके सो गया। मयंक भी काफी थक चुका था, वो भी अपने बिस्तर पर लेट गया। जाने कब उसकी आंख लगी उसे पता ही ना चला। मयंक उठो, विवेक की आवाज सुनकर मयंक चीहूंक पड़ा। उसने आंखें खोली, सामने विवेक खड़ा था। क्या हुआ? उठ जाओ, देखो शाम हो चुकी है। मयंक बिस्तर से उठा। उसने खिड़की से बाहर नजर डाली। सूरज छिपने ही वाला था। आंखों में ठंडे पानी की छींटे मारकर वो उनीदेपन से बाहर आया। विवेक के हाथ में सर्वेक्षण फाइल थी। उसने मयंक की ओर देखा। मेरे साथ चलो। क्या
इस वक्त गांव में निकलना ठीक होगा? विवेक, नहीं, मेरे साथ आओ तुम। मयंक विवेक के पीछे पीछे चल दिया। विवेक ने नीचे जाकर एक नौकर से दहल सिंह के बारे में पूछा। नौकर ने बताया कि वो तो बाहर बैठे हैं। दोनों बाहर गए। दहल सिंह की हवेली के सामने एक बहुत विशाल नीम का पेड़ था। उसी के नीचे मूढ़े बडाल कर बैठे दहल सिंह और उसका भाई जोरावर सिंह कोई मंत्रणा कर रहे थे। उन दोनों का आता देख जोरावर सिंह उठ खड़ा हुआ। ठीक है भैया, हम तनिक खेतों की ओर जाकर आते हैं, कहकर वो वहां से निकल गया। दहल सिंह ने उन दोनों को बैठने को इशारा किया। विवेक, मुखिया जी, हमने सोचा कि क्यों ना गांव के सर्वेक्षण का श्री गणेश आपके हवेली से किया जाए, इसलिए हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। दहल सिंह, ये तो अच्छी बात है। अरे ओ लखमा, जरा हुक्के में अंगीठी तो डाल कर जा। जमींदार ने हवेली की ओर आवाज लगाई। कुछ देर में एक नौकर दौड़ता आया और हुक्के में अंगीठी भर गया। दहल सिंह ने हुक्का गुड़गुड़ाया। अब पूछिए। विवेक, आपके पास जमीन कितनी है? दहल सिंह, यही कुछ 100 बीघे की करीब। बरसों पहले अंग्रेज लोगों ने हमारे पुरखों को यह जमीन दी थी, तभी से हम जमींदारों का मालिकाना हक से इस पर। विवेक ने दहल सिंह से कुछ और सामान्य सवाल पूछे ताकि उसे विश्वास हो जाए कि वे सचमुच सर्वेक्षण करने ही आए हैं। अंत में वो अपनी बात पर आया। आज सुबह जब हम टिगरी स्टेशन पर उतरे तो वहां के लोगों से हमें पता चला कि बानपुर गांव के आसपास कोई खूंखार जानवर घूमता है जो कई लोगों की जान ले चुका है। क्या ये सच है? दहल सिंह के हुक्के की कुरकुराहट रुकी। उसने पहले कुछ सोचा, फिर अनमनी सी आवाज में बोला, हाँ ये सच है। बरस दस बरस न जाने कितने लोग जानवर का शिकार बनते हैं। लोगों को मारने के बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है। मयंक को उसकी इन बातों से झूठ की बू आ रही थी। आपको भी चेता रहा हूं, रात के समय कभी बाहर ना निकलिएगा। उस रात मयंक को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। उसने विवेक की ओर देखा। वो बड़े आराम से सपनों में खोया था। मयंक की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। एक गहरी खामोशी चारों तरफ फैली थी। आसमान से बरसती हल्की हल्की चांदनी में झाड़ियां प्रेतों के किसी झुंड की तरह लग रही थी। मयंक ने अपने चेहरे पर हल्की पवन महसूस की। उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसी समय उसके कानों में किसी के रुदन का स्वर सुनाई पड़ा। वो सिहर उठा। दूर से किसी की दबी हुई रोने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे आवाज ऊंची उठती गई। अब वो साफ सुन पा रहा था। उस बाहरी के पीछे से कोई लड़की बेहद मार्मिक स्वर में रो रही थी। कुछ ही देर में रोने का स्वर चित्कार में बदल गया। मयंक के पैर डर के मारे वहीं जम गए। हिल भी नहीं पा रहा था। आखिर क्या रहस्य था उन आवाजों के पीछे? गांव वाले अपने मन में क्या राज छुपाए बैठे थे? क्या मयंक और विवेक इस रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगे? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में लिंकेज जुड़िया की लिखी हुई कहानी मुर्द घटा का एपिसोड नंबर 3। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये एक वेब सीरीज है, सो एपिसोड वाइज आएगी, इसीलिए प्लीज ये मत को बोलिएगा कि ये लॉन्ग स्टोरी नहीं है, इतनी सी है, छोटी सी है, क्योंकि ये वेब सीरीज है इसीलिए एपिसोड वाइज आने वाली है। इसलिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ये कहानी को सुनिएगा जरूर, लेकिन मैं वादा करती हूँ इस वीक तक ये कहानी खत्म हो जाएगी।
जी हाँ, ये वेब सीरीज इस वीक तक खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट वीक में न्यू कहानी आने वाली है। तो प्लीज 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 पेशेंस रखिएगा और कहानी सुनते रहिएगा। और कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो और भी ज्यादा आगे बढ़े और मेरे चैनल का सब्सक्राइबर भी बढ़े और दोस्त भी बढ़े, हम लोग दोस्त हो जाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लाइव मैं आऊं, आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं, आप लोगों के साथ बातें करूं, मेरा ट्रू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं हॉरर का, जी हाँ दोस्तों, तो प्लीज जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। ज्यादा देर नहीं है, जल्दी कर दीजिए प्लीज 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 प्लीज। चलिए मिलते हैं अब मूर्त घटा एपिसोड नंबर 4 के साथ। वेब सीरीज खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय।